ये लोग मेरे अजाबो सवाब देखते हैं, सो हम रोज ही रोजे हिसाब देखते हैं। कुचल कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात के वो मजदूर ख्वाब देखते हैं। आइए अब मैं उस शायर को आवाज देने जा रहा हूँ जिस शायर का ताल्लुक गोरखपुर की सरजमीन से है। बहुत लंबा सफर करके आपके मुशायरे में तशरीफ लाने वाला वो फनकार जिसे उर्दू अदब के डाइस पे डॉक्टर दिलशाद गोरखपुरी के नाम से जाना पहचाना जाता है। मैं आवाज दे रहा हूँ डॉक्टर दिलशाद गोरखपुरी साहब को। आप तालियां बजा के इस्तकबाल करिए अपने मेहमान का, डॉक्टर दिलशाद गोरखपुरी साहब भाई। राकिब आजमी साहब की मोहब्बत और उन्हीं का हुक्म, इनके लिए मुझे किसी शायर का एक शेर याद आ रहा है कि दुनिया के सामने हम अपना कहें किसे, दुनिया के सामने हम अपना कहें किसे, एक ऐसा दोस्त हो जो सुदामा कहे जिसे, एक ऐसा दोस्त हो जो सुदामा कहे जिसे। चार मिसरे मुलायदा फरमा लें। अदब के साथ इस बस्ती में नंगे पांव आया हूं। क्या कहने, सुनिएगा दोस्तों, मैं बहुत थोड़ी देर आपसे जुड़ना चाहता हूँ। अदब के साथ इस बस्ती में नंगे पांव आया हो, सुकून जिससे मिले लेकर वो ठंडी छांव आया हो, सुकून जिससे मिले लेकर वो ठंडी छांव आया हो, मुझे अपनी दुआओं से चाहो, मुझे अपनी दुआओं से नवाजो जितना तुम चाहो, मैं गोरखपुर से चलकर तुम्हारे गांव आया हूं। क्या कहने हैं बाबा बाबा डॉक्टर साहब, क्या कहने हैं बाबा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या गांव आया हो, मैं गोरखपुर से चलकर तुम्हारे गांव आया हो। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अभी रास्ते में आ रहे थे तो गाजियाबाद के किसी नेता ने अभी अजान के खिलाफ आज एक बात कही है और बहुत बुरी बात कह दिया है, यहाँ तक के गाजियाबाद के उस नेता ने ऐसी बातें कह दी है जो अब तक शायद हिंदुस्तान के किसी इंसान ने भी ऐसी बात नहीं कही थी। एक दीवाना सोनू निगम ने भी ये बात कही थी। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। तुम हमें लड़ाने की कोशिश करते हो, हम हमेशा अमन और मोहब्बत की बात करते हैं। चार मिसरे मुलायदा फरमा लें। सब लोग रहे मिलकर अब ऐसा जतन होगा, सब लोग रहे मिलकर, सब लोग रहे मिलकर अब ऐसा जतन होगा, हर रंग के फूलों से आबाद चमन होगा। क्या कहने हैं, सब लोग रहे मिलकर अब ऐसा जतन होगा, हर रंग के फूलों से आबाद चमन होगा, लगती है तो लग जाए माइक पे पाबंदी। आजमगढ़ की सरजमीन पर खड़े होकर ये मिसरा पढ़ रहा हूं। लगती है तो लग जाए माइक पे पाबंदी, मस्जिद में अजा होगी मंदिर में भजन होगा। क्या कहने हैं बाबा बाबा डॉक्टर दिलशाद, भजन होगा मस्जिद में अजा होगी मंदिर में भजन होगा, मस्जिद में अजा होगी मंदिर में भजन होगा। दोस्तों मैं इश्क और मोहब्बत का शायर हूँ। अभी तक हिंदुस्तान की बात हो रही थी लेकिन अब मैं उस दिल की बात करने जा रहा हूँ जिस दिल में हिंदुस्तान बसता है। चार मिसरे समाज फरमा लें और इन चार मिसरों पे चौथे मिसरे पे आपकी दुआएं चाहते हुए आपसे अलविदा कहना चाहता हूँ। दोस्तों समाज फरमा लें ये चार मिसरा। खुद का
नौजवान दोस्तों आपके लिए चार मिसरे दे के जा रहा हूँ। खुद का इल्जाम मेरे सर डाला, खुद का इल्जाम मेरे सर डाला, खुद का इल्जाम मेरे सर डाला, मुझको बदनाम तूने कर डाला। फेसबुक के जरिए से इन चार मिसरों पे मुझे बड़ी दुआएं मिली थी, वही दुआएं और मोहब्बतें आपसे चौथे मिसरे पे मांगता हूँ दोस्तों। समाज फरमा ले, खुद का इल्जाम मेरे सर डाला, मुझको बदनाम तूने कर डाला, मुझको इग्नोर कर रही है वो, मुझको इग्नोर कर रही उसका नंबर ब्लॉक कर डाला। उसका क्या कहें, जी 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 बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। आ रहे हैं, आ जाए दिलशाद भाई, आ जाए, ये आजमगढ़ की सरजमीन है, ये आपको सुनना चाहते हैं ये लोग, तालियां बजा के इस्तकबाल करिए, माहौल बनाइए। दोस्तों आपकी मोहब्बतों को सलाम, लेकिन आप भी ठंडक में बैठे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि अभी शादाब आजमी साहब को सुनना है और डॉक्टर आफ्ताब मुजाहिद साहब को सुनना है और हम लोग बहुत बेदार रहते हैं शादाब साहब को सुनने के लिए, लेकिन आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हुए चार मिसरे माँ के हवाले से दोस्तों समाज फरमा लें। नहीं मिसरा तो दोस्तों चार ही होता है, आठ गजल हो जाएगी इंशाल्लाह। समाज फरमा ले, हम सब अपनी खताएं भूल गए, हम सब अपनी खताएं भूल गए, आफियत की दुआएं भूल गए, हम सब अपनी खताएं भूल गए, आफियत की दुआएं भूल गए, सबकी फरमाइशें तो ले आए, सबकी फरमाइशें तो ले आए, सिर्फ माँ की दवाएं भूल गए, सिर्फ माँ कह रहे हैं बाबा, वाह वाह वाह, की दवाएं भूल गए, सिर्फ माँ की दवाएं भूल गए। माशाल्लाह इनाम का भी यहाँ रिवाज चल रहा, शुरू से मैं देख रहा हूँ, लेकिन चाहता हूँ मोदी जी वाली नोट भी लेकर आ जाइए। चार मिसरे समाज फरमा ले, मुंह से कुछ भी कहे मगर दिलशाद, मुँह से कुछ भी कहे मगर दिलशाद, दिल से कोई सजा नहीं देती, बेटा नकार चाहे जितना हो, बेटा नकार चाहे जितना हो, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती, माँ कभी बद्दुआ नहीं, क्या कहने हैं बाबा बाबा, बदवा नहीं पीछात भाई, बाबा बाबा कभी बदवा नहीं देती, क्या कहने हैं। गजल का एक मतलब दो तीन शेर और समाज फरमा लें दोस्तों। एक ऐसा भी दोहरे बहार आ गया, सुने दोस्तों मतलब, एक ऐसा भी दोहरे बहार खारा गया, फूल तोड़ा खारा गया, फूल क्या कहने हैं बाबा बाबा, वाह वाह, फूल तोड़ा तो हाथों में खारा गया, वाह
शुक्रिया। फूल तोड़ा तो हाथों में खारा गया, और मैंने उसके करम को जो आवाज दी। मुस्तकीम भाई ये शेर समाप्त फरमा लीजिए। पहली मुलाकात आपसे है लेकिन फोन पर गुफ्तगू आपसे बहरहाल हमारी हुई थी एक दो बार और आज आप मिल गए माशाल्लाह। समाप्त फरमा लेंगे शेर। जाने ये तेरी नजरों ने क्या कर दिया, जाने ये तेरी नजरों ने क्या कर दिया, जाने ये तेरी नजरों ने क्या कर दिया। मैंने पी भी नहीं और खुमार आ गया, मैंने पी भी क्या कहने हैं, मैंने पी भी नहीं और खुमार आ गया। दोस्तों राकिब भाई शेर समाप्त फरमा लें। मेरी बर्बादियां रंग ला कर रही, मेरी बर्बादियां रंग ला कर रही, मेरी बर्बादियां रंग ला कर रही। आज उस बेवफा को भी प्यार आ गया, आज उस बेवफा को भी वाह 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 क्या कहते हैं, वफा को भी प्यारा गया। और गजल का ये आखिरी शेर, मुझे उम्मीद है कोई भी शख्स यहाँ खामोश नहीं रहेगा। एक ऐसा भी दौरे बहार आ गया, शेर में बहुत दर्द है समाज फरमा ले। या मेरे आंसुओं की ज़बा को समझ, क्या कह रहे हैं, या मेरे आंसुओं की ज़बा को समझ, या मेरे आंसुओं की ज़बा को समझ, या ये कह दे मुझे एतबार आ गया, या ये क्या कहने हैं। बाबा बाबा वाह 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 गया, या ये कह दे मुझे एतबारा गया। एक ऐसा भी दौरे बहार आ गया, एक ऐसा भी दौरे बहार